एक प्रश्न पूछकर करना चाहता हूँ। जो पहला प्रश्न है आपका, आपकी प्रश्नोत्तरी का, वो हमारे कार्यवाहक प्राचार्य महोदय से है। सर आप रेडी हैं प्रश्न के लिए? तो सर के लिए पहला प्रश्न है, सर आप ये बताइएगा कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब है, तो जोरदार तालियां कहते हैं सर के लिए। ठीक है, अब हम अपने प्रतिभागियों पर बढ़ते हैं और हमारे साथ से जिस प्रकार से सर ने जवाब दिया है, इसी प्रकार से आप भी अपने प्रश्नों का सही सही जवाब देंगे, है ना। तो जो पहला राउंड है ये बहुविकल्पीय राउंड है। ठीक, आपको एक प्रश्न के चार विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प के तौर पर अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। हमारे स्कोरर्स भी हेल्पर दुबे सर इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। और हाँ, पहला विकल्प अगर सही हो गया तो, अगर दूसरा विकल्प सही होता है तो आपको 7 अंक मिलेंगे, तीसरे विकल्प फिर 5 अंक, और उसके बाद फिर कोई अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा विकल्प को भी क्लियर हो ही जाएगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। तो शिवाजी टैगोर अशोक और रमन जी क्रम रहेगा और ये क्रम बदलता रहेगा। अगले राउंड में हम टैगोर अशोक से शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है शिवाजी सदन के लिए कि हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है? आपके सामने जो विकल्प तो जरूर सुन लीजिए। इसमें ज्ञानपीठ सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और राष्ट्रभाषा सम्मान। ये क्या? राष्ट्रभाषा सम्मान, ये गलत है। आप दूसरा विकल्प दे, अभी नहीं, आप बताइए, अभी इन्हीं के पास है। पहला विकल्प इनका गलत हो गया है, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और राष्ट्रभाषा सम्मान। सरस्वती सम्मान भी गलत है। ज्ञानपीठ सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला, यानी कि किसी भी साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इनको सर 5 पॉइंट दीजिएगा। आप और ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये स्कोरी टैगोर सदन के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया? आपके सामने विकल्प है 1954, 1956, 1953 और 1949। 1949 सही जवाब नहीं। पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया? ये जवाब नहीं। 54, 56, 53, 49, 49 आप बता चुके हैं। और ये पहले हिंदी जिस दिन हिंदी दिवस का शुभारंभ हुआ था बताया गया था, आज भी संतोष होकर दल इसको बताया है सुबह। 1953 इज द करेक्ट आंसर। तो सर इसको 7 पॉइंट दिए जाएंगे टैगोरा को। अशोक चंद्र कि निर्मला किसकी रचना है? निर्मला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, जैनेन्द्र। मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसको सर 10 पॉइंट मिलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी विकल्प है इन्होंने, है ना, सही जवाब दिया। और अब रमन चंद्र कि भीष्म सारणी की इनमें से कौन सी रचना है? चार रचनाएं आपके सामने आ रही हैं, इनमें से कौन सी रचना भीष्म सारणी की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि 10 द्वार से चौपान तक, कितनी नावों में कितनी बार, तमस और कवन। माइक्रो 10 द्वार से चौपान तक, कितनी नावों में कितनी बार, तमस और गबन।
जल्दी बोलो भाई। दस बार से तूफान कर दो जी। देखिए कितनी नाव में कितनी बार तमस और गबन, तीन ही ऑप्शन बचे आपके पास। जल्दी कीजिए, एफसी के टाइम में ज्यादा टाइम नहीं है। हरिओम तमस। तमस तमस पढ़कर सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आपको सात पॉइंट मिलते हैं। तो सभी टीमों ने सर स्कोर किया, तो आप तीसरे राउंड तक आंसर मिल गया है ना। तो टैगोर हाउस कविता है और इस चारोहित हाउस के लिए सिंगल क्वेश्चन है। एक कविता है, आपको बताना है कि उसकी जो कवि कौन है, किसने रचना की है। कि एक रचना है खूनी हस्ताक्षर, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें बाप का नाम नहीं। ये जो मशहूर कविता है इसके रचयिता कौन है। आप 15 सेकंड में जवाब दें और नहीं तो फिर यहाँ सो हाउस में पास हो जाएगा। जल्दी कीजिए सॉरी, ये पास हो गया है सो हाउस में। अगर किसी को पता हो नहीं, पता है वहां बताइएगा। तो माइक आपके पास है। जय कौन? जय चंद्र प्रसाद नहीं, नहीं पता सर। थोड़ा ताज्जुब की बात है, लाइब्रेरी के ठीक सामने एक बोर्ड है जिसमें कलम के सिपाही नाम से बहुत सारे रचनाकारों की रचनाएं लिखी हुई है। मैंने वही से चयन किया हुआ है आपके विद्यालय में, है ना। आप बाहर नहीं जाना किसी को। इसके रचनाकार है गोपाल दास व्यास, तो किसी को पढ़ने बनते हैं। यानी कि बहुत सारे जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं विद्यालय में, तो आप देखते नहीं सुनते नहीं है, आस पास के ही हमें क्वेश्चन चुराए जाते हैं। यानी हसुओं का होगा, हसुओं का हो। आप ये बताइए, आपके लिए भी कविता है कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, ये किसकी है। टाइम ओवर हो रहा है। हरिचंद्र प्रसाद? हरिचंद्र प्रसाद नहीं, रामा हाउस। रामा हाउस पता है आपको, बैठिएगा। नहीं पता है। शिवाजी हाउस नहीं, शिवाजी हाउस नो, इनको नहीं पता है। टैगोर हाउस कुछ है सर, सर इधर बैठिएगा। दुबे सर, दुबे सर इधर आइएगा, हमारी बिरादरी में आइएगा। नहीं ये रचना है मैथिली शरण गोस्वामी। रमन आप बताइए, हिमाचलों के संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सबुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, ये किसकी रचना है। रमन सदन आपके लिए 15 सेकंड स्टार्ट हो गए। तुलसीदास ने 1857 की लड़ाई भी लड़ी थी। अब ये शिवाजी हाउस अगर आप बता सके तो। पता है शिवाजी हाउस? नहीं पता है। टैगोर हाउस पता है तो बोलो। रामदास नॉट करेक्ट। टैगोर हाउस
टैगोर हाउस आपको पता है? सर सूरदास। सूरदास, चलिए बहुत बढ़िया। अशोक हाउस, आखिरी ऑप्शन आपके पास। चलिए अब आखिरी इस राउंड आखिरी को दिवा दिया आपको। इस राउंड पे किसी ने स्कोर नहीं किया सर, और जो लगता है जो करता है पूछ रहा हूँ जो भी नहीं सामने बोर्ड पे लगी हुई है लाइब्रेरी के साथ है ना। एक बहुत अच्छी कविता है कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य के दीपक लिए बिना गर्दन का बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये किसकी रचना है जल्दी करो? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ये सही जवाब नहीं है। टैगोर हाउस, टैगोर हाउस पास होगा तो कोई पांच सेकंड का जवाब उस समय है आपके पास नहीं है। अशोक हाउस, अशोक हाउस सूर्यकांत निराला नहीं है। रमन हाउस पता है? तो इतना ये राउंड पूरा ब्लैक खेला गया है।